हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजय सिंह, विलेज लाइफ विद अजय एंड फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नसों के जो डॉक्टर हैं मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के 40 किलोमीटर दूर देवास ज़िले में गांव है सोमाखेड़ा बरखेड़ा, और मैं भी उसी गांव में हूं। अभी यहां के जो कमल नागर जी जो डॉक्टर साहब हैं वो कहीं बाहर गए हैं, 10-1 मिनट में आ जाएंगे, तो उसके बाद ट्रीटमेंट करवाएंगे। अभी मैं जानकारी यहां की पूरी जानकारी लेता हूं। एक मित्र बैठे हुए हैं, आपका नाम और यहाँ की पूरी जानकारी दे सकते हैं। अंकित शर्मा मेरा नाम है जी। अंकित जी, ये देवास डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ। काफ़ी लोग आते हैं जी, काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा है जी। अदर स्टेट से भी लोग आते हैं जी जी, पूरे ओलंपिक के आते हैं, ओलंपिक के बाहर के भी आते हैं जी जी जी। मैं मेरे मामा जी को लेकर जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट के हैं जी, उनको पहले हाथ में बाएं हाथ में प्रॉब्लम थी जी, वो सोल हो गई, पैर में भी दिक्कत थी वो भी सोल हो गई, और अब दूसरे हाथ में दिक्कत आ गई। उसको बताने के लिए आए, उन्होंने 15 दिन आने का बोला था कि आप आना बताना जी। तो काफ़ी लोगों का रिलीफ हुआ है, तो आस्था है ऐसा है, बाबा का कुछ है ऐसा मानना है। हाँ, हमने सुना था कि एक हनुमान जी जो इष्ट आते हैं, हनुमान जी का कोई इष्ट है शरीर। हाँ हाँ, ऐसा कुछ मैंने भी सुना था यहाँ पे। हाँ हाँ, सच है वो? सच तो पता नहीं है, बाकी हाँ देखने वाले ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को रिलीफ हुआ है। हाँ, दुनिया चमत्कार को नमस्कार कहती है। हाँ, तो इंदौर से, यहाँ से इंदौर कितना पड़ जाएगा? यहाँ से इंदौर है 55 किलोमीटर। और ये गांव देवास ज़िले में आता है? ये गांव देवास ज़िले में, बरखेड़ा सोमा या सोमा बरखेड़ा? बरखेड़ा सोमा बोलते हैं, हाट पिपलिया के तहसील में आता है। हाट पिपलिया से यहाँ कितना पड़ेगा ये? हाट पिपलिया से है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। और हाट पिपलिया से नेवरी फाटे होते अगर देवास जाएंगे, देवास ज़िले का गांव है, तो ये कितना पड़ जाएगा? नेवरी पड़ता है यहाँ से 20, हाट पिपलिया से 20 किलोमीटर नेवरी। और देवास कितना पड़ जाएगा उधर से? उधर से 15-20 किलोमीटर, मतलब देखा जाए तो 15, 20, 35 और 40 किलोमीटर। तो दोस्तों 40 किलोमीटर पे ये गांव है, इस गांव का नाम है सोमाखेड़ा बरखेड़ा, और ये कमल नागर जी यहाँ के जो डॉक्टर हैं, और एक फर्म पूरा उनका जो क्लिनिक है वो एक खेत पे ही है, उनके फर्म पे ही है, उन्होंने क्लिनिक बना रखा है। यहाँ पे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति बनी हुई है, बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, ये दिखाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है नज़ारा, आप देखें, बिल्कुल हरियाली हरियाली लग रही है आपको। और ये यहाँ का जो है, यहाँ पे पहुँचने का जो रास्ता है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आने का मार्ग है नेमावर रोड, आपको झूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैं मिसेस को लेके आया हूँ अभी, तो जो है अभी डॉक्टर साहब है नहीं, और वो जैसे आते हैं उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब का भी इसमें एक क्लिप डालूँगा। अगर नहीं डाल पाया तो अगले वीडियो में डॉक्टर साहब का एक क्लिप डालूँगा मैं। देखिए, हनुमान जी की मूर्ति है, ये जो नागर साहब हैं डॉक्टर साहब यहाँ के, उनका बेड है सिंपल सा, वहाँ पे सुला के, मतलब उनकी जो कुर्सियाँ हैं कुर्सी बैठ के नीचे जो गद्दा लगा हुआ उसी पे ट्रीटमेंट करते हैं ये। और यहाँ पे हर गुरुवार के दिन अवकाश रहेगा, गुरुवार को नहीं आना है। गुरुवार पता नहीं कुछ कारण होगा नहीं आने का, बाकी जो है जानकारी देना था दे दी मैंने आपको। आप देख सकते हैं पब्लिक, हमेशा आपको 12 महीना पूरे 365 दिन इतनी ही पब्लिक दिखाई देगी यहाँ पर। यहाँ पे अगर कोई दूर से बंदा आता तो उसके लिए ठहरने की भी व्यवस्था है, ठहर सकता है ज़्यादा दूर का बंदा हो तो। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ नसों के लिए यहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह भी है, कुछ साइरप पड़ी हुई है, ब्लड प्रेशर के लिए है,
शक्कर मधुमेह के लिए हैं, जोड़ों का दर्द के लिए हैं, बाल झड़ने वालों के लिए हैं, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में कफ फूलना, आंतों मुंह में छाले, इन सभी चीज़ों के लिए हैं। तो जो है वो गाड़ी पड़ी हुई है मेरी टिवा, वो भाई ने हमें जानकारी दी, भाई देवास ज़िले से ही हैं, हाटपिपलिया के ही हैं, 4 किलोमीटर दूर गांव है उनका, गांव नहीं कस्बा ही है हाटपिपलिया। तो आप भाई सब कुछ जानकारी दे सकते हैं यहाँ के बारे में, सोमाखेड़ा बरखेड़ा के बारे में है, सोमाखेड़ा बरखेड़ा के बारे में। मैं पहले आया, वो तुम्हारा आया, आपको रिलीफ हुआ यहाँ से? आराम मिला, एक हाथ में तकलीफ आराम मिला, दूसरा हाथ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पहले तकलीफ कहाँ थी हाथ में? ये वाला हाथ में, हाथ ऊंचा नहीं होता था। अच्छा, ऊंचा ही नहीं हो रहा था, खड़ा नहीं हो रहा था, तो अभी ठीक? आप ये वाला हाथ तकलीफ हो गया। अच्छा, ये वाला तकलीफ हो गया, पर ऊंचा नहीं हो रहा। पर पिछली बार इस हाथ में आराम हो गया? हो गया। आपका शुभ नाम? गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा जी, अच्छा शर्मा जी, यहाँ ये नागर जी, आप शर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा जिला हरसू। खंडवा जिला हरसू, ठीक ठीक, बहुत दूर से आए मतलब, हाँ आराम हुआ तभी आए। कहावत है ना, चमत्कार को ही नमस्कार है। अच्छा, अभी 26 तारीख को आया। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके पहले भाई दूज को आया, भाई दूज को आया। अरे बाबा, उसके पहले होली को आया। अभी क्या शाम का टाइम है तो भीड़ कम है? नहीं नहीं, रविवार को भीड़ रहती है, रविवार को ज़्यादा भीड़ रहती है। भीड़ तो रहती है जी, सब चलेगा, बाहर वाले दूर वाले, दूर वाले सब चलेगा। अब मैं तो काफ़ी दूर से हूँ, मैं 100 किलोमीटर पड़ेगा गाँव, सिहोदा शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। आप लेट क्यों? लेट क्या, मैं उधर से घर से ही लेट निकला था, 12 के समथिंग, 12:30 के समथिंग, और थोड़ा सा मेरी गाड़ी में दिक्कत आ गई थी, तो उसके गाड़ी को ठीक करवाने में मेरे को 2 घंटे लग गए हाटपिपलिया में, ये समस्याएं रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो है, अब गुरुजी तो है नहीं, डॉक्टर साहब यहाँ के जो नसों के डॉक्टर हैं, कमल नागर जी उनका नाम है, अब वो तो है नहीं, उनके नंबर, ये संपर्क नंबर वही होंगे शायद। अच्छा, ये वाले संपर्क नंबर, मैं कमल नागर जी के आपको संपर्क नंबर दे देता हूँ, आप किसी भी भाई को कोई तकलीफ़ हो और कोई आना चाहे तो आ सकता है, मैं नंबर दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ये नंबर है 8120173184, ये मोबाइल नंबर है, दूसरे नंबर भी शायद इसमें लिखे हुए हैं 7697289532। ठीक है दोस्तों, और आपको दिख ही रहा होगा ये कमल नागर जी हैं जो फोटो के अंदर है, A1 मॉन्टेसरी हाई सेकेंडरी स्कूल करनावत, श्री कमल जी नागर, अभिनंदन पत्र, उन्हें कुछ इनाम वगैरह दिया हुआ, ये दान पत्र है, अगर कोई दान देना चाहे तो। ये अखंड ज्योति जलती है यहाँ पे हनुमान जी के पास में, आप हनुमान जी का मंदिर तो नहीं बोलेंगे अपन, लेकिन हनुमान जी का स्थान है और काफ़ी पुराना हो गया स्थान ये, भविष्य में बहुत बड़ा मंदिर बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि हनुमान जी का ही कुछ इष्ट आता है उनमें कमल नागर जी में। तो ये जानकारी थी दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ जानकारी छूट गई हो तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, जय श्री राम।